ये है दिल्ली दर्पण। देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका आनंद। इस वक्त मैं मौजूद हूं अशोक विहार एच ब्लॉक के स्कूल में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केशवपुरम जोन अध्यक्ष योगेश वर्मा। सर, दिल्ली सरकार द्वारा ये एक तरीके से दावा करा जाता है कि वो सरकार के स्कूलों में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे रही है, अच्छी सारा सौंदर्यकरण दे रही है, लेकिन आज हम यहाँ आए, हमने देखा कि यहाँ के उनके बातों में, उनके शब्दों में कुछ तब्दीली देखी गई, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो दावे करते हैं, हम काम करते हैं। हमने काम करके दिखाया है। हम लोग विज्ञापनबाजी में विश्वास नहीं करते, वो केवल आरोप लगाकर भाग जाते हैं। अब मैं अगर स्कूलों की बात करूं, हम लोग शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं करते। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी स्कूल यहाँ बने हुए हैं, ये केवल एक ही स्कूल नहीं है, प्रत्येक स्कूल हमारा इस प्रकार से सुंदर है। प्रत्येक टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने अपने हिसाब से स्कूलों को सुंदर बनाया हुआ है। और हम लोग विशेष रूप से अगर ध्यान देते हैं तो बच्चों की शिक्षा के ऊपर, और उसके साथ साथ एक मैसेज देने के लिए आप देख रहे होंगे जगह जगह पेंटिंग्स लगाई हुई हैं स्कूल के अंदर। वो पेंटिंग्स, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर एक बात बार बार कही जाए तो उसके दिमाग में बैठ जाती है। तो आज अगर आप अंदर एंटर करोगे, आपको लगेगा कि स्वच्छता अपनानी है, तो स्वच्छता के लिए यहाँ पर पेंटिंग्स लगाई उन्होंने, ये दिखाने कि हमारे यहाँ पर देशभक्ति के किस प्रकार जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया वो फोटो चित्र यहाँ पर लगाए हुए हैं। जिस प्रकार से अगर आप किसी बच्चे को सिखाने कि आपने हैंड वॉश करके कोई भी काम करना है, तो हमने पूरा हैंड वॉश स्टेशन यहाँ पर बनाया है। स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके साथ साथ हमने बड़े हॉल्स स्कूल में बनाए हुए हैं जिसमें बच्चे इकट्ठे बैठ के कार्यक्रम कर सकें। तो टॉयलेट्स को आप देखेंगे, टॉयलेट सुंदर बने हुए हैं, रूम सुंदर बने हुए हैं। कोई भी स्थान अगर सुंदर होता है तो उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति गंदगी नहीं करता, ये हमेशा का असूल है। तो स्कूलों ने अपने स्थान सुंदर बनाए हुए हैं। हम लोग कोई इस प्रकार की राजनीति नहीं करते, हम शिक्षा को बेचते नहीं हैं, हम जाके मॉडल नहीं दिखाते, हम एक मैसेज देते हैं कि आने वाली पीढ़ी किस प्रकार देश के लिए अच्छे काम कर सके। और हमने स्कूलों के अंदर, आपने देखा, बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है, वो इस कारण से है कि हम लोग केवल शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। एक छात्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है उनके अध्यापक का। हमारे साथ इस स्कूल के अध्यापक भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, केशवपुरम जोन अध्यक्ष योगेश वर्मा द्वारा स्कूल में जो योगदान दिया गया है, जो सुविधाएं दी गई हैं, एक छात्र के तरक्की में कितना योगदान महत्व होता है? ऐसा है कि हमारे स्कूल में सर जी का बहुत योगदान है। सर हर प्रॉब्लम में हमारे साथ खड़े हैं। कोई भी हमें दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हम सर के पास जाते हैं, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सर वो एकदम से सॉल्व करते हैं और आते रहते हैं सर हमारे स्कूल में समस्याएं सुनने के लिए, या कोई भी सुझाव देते हैं वो भी हम फॉलो करते हैं। तो पूरा पूरा योगदान है हमारा सर का। हमारे साथ और टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, स्कूल के बच्चों के तरक्की में, उनके विकास में कितना योगदान महसूस करते हैं? स्कूल के लिए उसमें योगेश वर्मा जी का और पूरे टीचर्स समाज का, ऑफिसर्स का, मतलब सबका ही पूरा योगदान है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ाई पे जोर दे रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि हम बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी कराते हैं और ऑनलाइन भी है इस टाइम पे जैसे चल रहा है, तो हम पूरी हर तरह का कंपटीशन बच्चों को करा रहे हैं। और बच्चे जहाँ पे प्राइज़ मतलब लेके आते हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ स्थान प्राप्त करते हैं, तो उसे प्राइज़ भी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मैम, आपके पास कुछ बच्चे ऐसे भी आते होंगे जो स्पेशल नीड होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। नॉर्मल बच्चों के साथ टैकल करना, नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना एक आम बात होती है, वो सब कर लेते हैं। स्पेशल बच्चों को हैंडल करना, उनको पढ़ाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको कैसे आप लोग को पकड़? उनको स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, और कुछ ग्रुप बना के, मेन तो है उनको ग्रुप बना के बनाया जाता है, तो ग्रुप के अकॉर्डिंगली उनको काम कराया जाता है। स्कूल की टीचर्स का भी यही कहना है कि योगेश वर्मा द्वारा हमारे स्कूल के सौंदर्यकरण के लिए, छात्रों के विकास के लिए पूरा योगदान रहता है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह योगदान मिला रहे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर